एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है थर्सडे, तो थर्सडे अभी टाइम है 10:30। तो अभी से मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं जाऊँगी अभी किचन में, क्योंकि खाना पकाना है और आर्यन का एनुअल एग्ज़ाम चल रहा है। तो बीच में 2 दिन छुट्टी है, मतलब आज और कल छुट्टी है, थर्सडे और फ्राइडे को छुट्टी है। तो उसके बाद फिर मंडे को है मैथ एग्ज़ाम। तो ये सब कुछ चल रहा है। तो आप लोगों को कैसा चल रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। पूजा मेरा हो गया है, आज थर्सडे था तो टाइम ज़्यादा लगता है थर्सडे पूजा करने के लिए। तो वो हो गया है और मैं भी रेडी हो चुकी हूँ और आर्यन भी आ चुका है। उसको मैंने थोड़ा दूध लाने भेजी थी, तो आर्यन दूध लेके आ गया है। और फिर मैं जाऊँगी अभी लंच की प्रिपरेशन करने। तो चलिए किचन में। अभी भी सर्दियाँ पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ, तो इसलिए बॉडी लोशन लग रहा है, स्किन बहुत ही रफ हो रहा है। तो अभी मैं चलाऊंगी राइस, क्योंकि टाइम हो गया है 11 के करीब। और जब भी मैं सुबह का चाय बनाने आती हूँ किचन में, तब भी मैं दाल और चावल ये दोनों को भिगो के रख देती हूँ। इससे 1-2 घंटा ये भीग जाता है, तो बहुत ही जल्दी ये बन जाता है और गैस भी कम लगता है। तो ये एक टिप्स है, आप लोग भी ट्राई करना। सुबह में ही दाल और चावल, ये दोनों चीज़ हमारे घर में रेगुलर बनता ही है, तो ये दोनों चीज़ को सुबह सुबह ही भिगो के रख दे, तो देखना कि गैस भी कम लगेगा और टाइम भी सेव हो जाएगा। तो दाल को मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया है, अब इसको 1 से 2 सीटी लगाऊंगी तो दाल बॉईल हो जाएगा। ये ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे टिप्स है, छोटे छोटे काम है, ये करने से हम लोगों का टाइम भी बचता है और बचत भी होता है। तो आज मैं एक और चीज़ आप लोगों को दिखाऊंगी, एक्चुअली एक रिक्वेस्ट आया था। तो ये है मार्केट में मिलने वाला मस्टर्ड पाउडर, मतलब सरसों की पाउडर है। तो इसको कैसे खाने में यूज़ करें इसके बारे में, तो बहुत सारे लोगों को लगता है इससे खाना कड़वा बनता है, तो आप कैसे इसको बनाएं ताकि आपका खाना कड़वा ना बने, तो वो मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगी। पहले जितना आपको सरसों के पाउडर लगेगा, मतलब खाने के लिए अकॉर्डिंग, तो उतना एक बोल में आप ले लें और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करें और इसका एक लिक्विड सा घोल बना लें और इसको बहुत ही अच्छे से मिला ले पानी के साथ। और फिर इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दें और नमक ऐड करने के बाद इसको फिर से एक बार चला ले और इसको देखना 10 से 20 मिनट के बाद ये गाढ़ा सा घोल बन जाएगा, ठीक सा एक पेस्ट तैयार हो जाएगा सरसों के पाउडर का। तो फिर इसको आप किसी भी खाने में ऐड करें। याद रखें इसमें नॉर्मल सा पानी ऐड करना है, गर्म पानी या ज़्यादा ठंडा पानी नहीं ऐड करना है, बिल्कुल नॉर्मल सा जो पानी है वो ही ऐड करना है। और इस तरह से अगर आप अप्लाई करोगे खाने में, तो आपका खाना बिल्कुल कड़वा नहीं बनेगा। और इधर मैं बना रही हूँ पोस्तों की पेस्ट। पोस्तों के साथ टोमेटो या हरी मिर्च आप जो भी डालो, तो ये डालने से पोस्तों बहुत अच्छे से पेस्ट हो जाता है। इसका मैं एक अलग सा वीडियो बनाया है, कैसे ग्राइंडर में आप पोस्तों को पेस्ट करें, वो वीडियो आप चाहो तो देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी इसी सरसों के पेस्ट से कैसे मैं मछली तैयार करती हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ पॉप द फिश सरसों देकर, जो कि किसी भी ओकेशन घरों में खिलाते हैं। ये एक बंगाली ट्रेडिशनल और फेमस रेसिपी है, बहुत आसान है, ज़्यादा मसाला नहीं लगता है इसमें और टाइम भी बिल्कुल ज़्यादा नहीं लगता। तो पहले मछली को फ्राई कर लेना है नमक और हल्दी देकर, और ये पूरी रेसिपी मैं बनाऊंगी सरसों के तेल में, क्योंकि ये सरसों का रेसिपी है, तो इसलिए सरसों के तेल में ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो मछली फ्राई हो चुका है, इसको मैं निकाल लेती हूँ। फिर उसी कढ़ाई में मैं ग्रेवी बनाऊंगी, और अगर लगता है तेल कम है तो इसी टाइम तेल को ऐड कर ले। मैं इसी तेल में डालूंगी थोड़ा सा कलंजी और एक सूखा मिर्च, जिसको मैं फाड़ के डाला है, और ये एक पेस्ट मैंने बनाया है, ये है पोस्तो टोमेटो और हरी मिर्च का। तो ये पेस्ट देकर पहले मैं भूनूंगी थोड़ा सा इसको, मसाला को बहुत अच्छे से भूनना है। फिर जो मिक्सी का बॉल था उसी में मैं थोड़ा सा पानी डाल के डाला है, ताकि मसाला जल ना जाए और धीमे आंच में मसाला को पकाए। फिर मैं इसमें थोड़ा सा और मसाला ऐड करूँगी, डालूँगी थोड़ा सा हल्दी और डालूँगी थोड़ा सा जीरा पाउडर। फिर
फिर थोड़ा सा शक्कर डालूंगी, ये पूरा ऑप्शनल है, अगर अच्छा लगता है शक्कर डालना तो ही डालें। फिर मसाला को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है, जब इससे थोड़ा सा ऑयल निकलना स्टार्ट हो जाएगा उसी टाइम मैं सरसों के पाउडर का जो पेस्ट मैंने बना के रखा है वो ऐड करूंगी। पहले ऐड नहीं करूंगी क्योंकि सरसों को ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ता। ये आप देख सकते हैं थोड़ा सा ऑयल निकलना स्टार्ट हो गया है, इसी टाइम मैं ऐड करूंगी सरसों की पाउडर का पेस्ट। तो इसको मैं ढक के रख दूंगी ताकि मसाला जल्दी से पक जाए। तो ये देखिए ऑयल पूरा निकल गया है, मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसी टाइम मैं ऐड कर दूंगी पानी। पानी जितना ग्रेवी के हिसाब से लगेगा उतना ही डालें, लेकिन ये जो प्रिपरेशन है ये थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा ही बनता है। और इसको ढक दूंगी ताकि ये जल्दी से बॉयल हो जाए। तो ग्रेवी बॉयल हो चुका है 2 से 3 मिनट के बाद। तो फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी मछली। तो मछली ऐड करने के टाइम नमक भी चेक कर ले, मुझे थोड़ा कम लग रहे थे तो मैं इसी टाइम ऐड कर दिया है। और 2-3 मैं ग्रीन चिलीज ऐड किया है, ये बिल्कुल गोटा गोटा सही है, तो इसमें बहुत अच्छा स्मेल आएगा। अब मैं 5 मिनट के लिए इसको पकाऊंगी ढक के। तो 5 मिनट के बाद देखिए ग्रेवी कितना अच्छा गाढ़ा बन चुका है। तो मैं गैस ओवन को बंद कर देती हूँ। तो रेडी हो गया है हमारा पापड़ा फिश विद सरसों। तो ये देखिए इसका फाइनल लुक, ये बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है। तो ऐसे ही बनता है सरसों पापड़ा। तो आप लोग घर में ज़रूर ट्राई करें, आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा ये रेसिपी। और इधर मैं दाल को छौंक लगाऊंगी। आज मैं बना रही हूँ सिंपल सा रांधुनी देकर मसूर की दाल। ये दाल कभी कभार बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही लाइट सा एक दाल है और ये सिंपल सा वाइट राइस के साथ बहुत अच्छा लगता है। हम लोग ज़्यादातर दोपहर में राइस ही लेते हैं तो इसीलिए ये दाल से राइस बहुत अच्छा लगता है। एक प्लेन सा पतला सा एक दाल है, कभी कभार अगर तबीयत खराब होता है तो उस टाइम भी ये दाल बहुत अच्छा लगता है। तो इधर मैं अपनी गार्डन का अपडेट दूंगी आप लोगों को। ये देखिए ये है ग्रीन पीस जो कि जर्मिनेट हो चुका है। मैं फ्रिज में ग्रीन पीस को छील के रखा था तो वहाँ पर ही ये जर्मिनेट हो गए थे। तो उसको एक एक करके मैं छोटे छोटे ग्लास में, जो प्लास्टिक का ग्लास मिलता है पानी का, तो उसमें एक एक करके रख दिया था। तो ये अच्छे से ग्रो हो रहा है। थोड़ा थोड़ा करके मैं और मिट्टी दे रही हूँ क्योंकि ये अंदर चला जाएगा इसका जो सीड था वो। तो ये ठीक ठाक ग्रो हो रहा है। शाक का पौधे लगाया है, मतलब काट के लगाया है, देखती हूँ क्या होता है। तो इधर भी मैं कद्दू का बीज फेंका था तो वहाँ से भी जर्मिनेट हो गया है। तो इसको भी मुझे ठीक ठाक करके बड़ा करना है। तो यहाँ पर मैंने लगाया है टोमेटो, ये भी मैं सीड से ही बना रही हूँ इसको। तो टोमेटो है, ग्रीन चिलीज है, ये सारे पौधे को मैं सीड से ही उगा रही हूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता करके धीरे धीरे मैं अपडेट देती रहूँगी आप लोगों को। और इधर गार्डन का सारे के सारे प्लांट को मैं थोड़े थोड़े करके रिपोर्ट कर रही हूँ क्योंकि ये रिपोर्टिंग का बहुत अच्छा सीज़न है। तो इस टाइम अगर गार्डन में सॉइल चेंज करना हो या रिपोर्टिंग करना हो या छोटे से गमले को लेकर बड़े गमले में पौधे को शिफ्ट करना हो तो ये सीज़न बिल्कुल बढ़िया है। पानी देने का काम मिला है आर्यन को, कभी कभार मन हो जाता तो मेरा हेल्प कर लेता है। उठा दिया दवा अच्छे दवा अच्छे बात करत এখন না এখন না ইভিনিং এ করতে হয় পাত এটা ওই পাশে গুলো দিতে হবে এই পাশে এগুলো দেওয়া আছে এগুলো দিতে হবে।
बे लीव्स का प्लांट, मतलब तीज पत्ता, ये देखो। तो इससे नए नए लीफ आना आरंभ हो गया है। ये एक और नींबू का प्लांट है, ये है गंधराज नींबू का प्लांट। ये मेरा छोटा देसी रोज। तो इस तरह से बिताया हम लोगों ने आज का दिन। तो मेरा ऑलमोस्ट सब काम ख़त्म, तो थोड़ा टाइम मिला था इसलिए मैं ऊपर चले आती हूँ, पौधे को देख लेख कर लेती हूँ। बहुत अच्छा लगता है, ग्रीनरी के साथ रहती हूँ तो मन भी बहुत अच्छा हो जाता है, फ्रेश फ्रेश ऐसा फील होता है। तो सारे काम आज का हो गया है, अब नीचे जाऊँगी और अरियान के नहाने के बाद हम लोग करेंगे लंच। तो इस तरह से आज का दिन बिता है हम लोगों का। तो कैसा लगा आज का व्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट करना मत भूलना। अभी तक मैंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब बटन के पास में बेल आइकन दबाना मत भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।